तो आज मैं आप लोगों को बैरिया फार्म हाउसेस की लोकेशन दिखाऊंगा, इसमें कितना काम, कितनी डेवलपमेंट जो है वो इस टाइम तक हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आप सबका। मैं हूं अतीक जोताना एजो एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से। आज मैं बैरियर टाउन की एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे आया हूं। वैसे तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा बैरियर टाउन की चीज़ों को आप लोगों के सामने लेके आते हैं, जिसके अंदर अपार्टमेंट्स भी आते हैं, प्लॉट भी आते हैं। वैसे तो बैरियर टाउन कराची के हम डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स आपको दिखाते रहते हैं, जिसके अंदर 125 गज़ के, 250 गज़ के, 500 गज़ के, 1000 गज़ के प्लॉट्स हैं। तो आज मैं जिस लोकेशन पर आया हूँ, ये बेसिकली लोकेशन है प्रीसेंट 18, जिसमें आपके पास फार्म हाउसेस के प्लॉट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं लोकेशन की, कि अगर आपने यहाँ तक आना है तो वो किस तरीके से आप आ सकते हैं। बैरियर टाउन कराची के मेन गेट से जब आप एंटर होते हैं टूवर्ड्स थीम पार्क वाली साइड पे, तो प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स हैं। प्रीसेंट 19 को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, उसके बैक साइड पे डेन जू है, जो सबसे बड़ा ज़ू है जो बैरियर टाउन कराची का, उसके साथ इसकी लोकेशन है। और बहुत प्यारी इसकी एंट्रेंस बनाई गई है, और एक ही इसकी सेपरेट जो बाउंड्री वॉल है बिल्कुल सेपरेट है, जिसके अंदर ये फार्म हाउसेज हैं। आपके पास यहाँ पे जो साइजेज़ हैं फार्म हाउसेज के, वो एक एकड़, डेढ़ एकड़ और दो एकड़ के आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के। उसमें एक्स्ट्रा लैंड भी समटाइम आ जाती है, कि कुछ प्लॉट्स जो हैं वो बड़े हैं, कि अगर आप एक एकड़ का ले रहे हैं तो उसमें इतनी एक्स्ट्रा लैंड होती है, ये 1000 स्क्वायर यार्ड की जो एक्स्ट्रा लैंड है वो उसके साथ अटैच हो जाती है। 1 एकड़ का प्लॉट ऑलमोस्ट आपका जो साइज़ है 5000 स्क्वायर यार्ड के करीब जो है इसका साइज़ है, समटाइम ये 6000 गज़ का भी प्लॉट हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सेपरेट बाउंड्री वॉल के अंदर ये आपको लोकेशन दी गई है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आप कह लें कि बहुत ही अच्छी लोकेशन के ऊपर बहुत अच्छे फार्म हाउसेज बन रहे हैं। इस टाइम कुछ कंप्लीट भी हो चुके हैं और आने वाले दिनों में कुछ ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो भी रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को बैरियर फार्म हाउसेज की लोकेशन दिखाऊँगा, इसमें कितना काम, कितनी डेवलपमेंट जो है वो इस टाइम तक हो चुकी है। इसमें मस्जिद भी जो है वो ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट है, 5 टाइम की वहाँ पे भी नमाज़ होती है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पार्क भी बनाए गए हैं और फाउंटेन भी यहाँ पे है, जिसकी टाइमिंग जो है 7 to 10 PM तक आपके पास टाइमिंग होती है। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पे भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल जो बैरिया फार्म हाउस की मॉस्क है उसके बिल्कुल सामने वाली साइड पर ये लोकेशन है। तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे हमसे रابطہ कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा। और हमारे चैनल एजो एसोसिएट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।